स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी ज़्यादातर मंगल चंद्र के कुप्रभाव से होती हैं, और कभी कभी सच में आपके जो ध्यान के चक्रज हैं उन चक्रों के अस्त व्यस्त के कारण होती हैं। ये तो है आध्यात्मिक बात, और मेडिकल के मुताबिक हमारी गंदगी से होती हैं, जहाँ कहीं कहीं हमें कोई स्थिति आ जाती है। तो मेडिकल इलाज आप कर रही हैं, आयुर्वेद कर रही हैं, दूसरा कर रही हैं, तो इसके लिए जैसे कोई स्किन की प्रॉब्लम या स्किन की बीमारी आती है तो मंगल देवता की, मंगल इष्ट की साधना आराधना की जाती है, और साथ में स्पिरिचुअलिज्म में तंत्र में कायाकल्प प्रयोग हैं बहुत से। तो उन कायाकल्प प्रयोग में कुछ जड़ी बूटियों से, जो ग्रहों की जड़ी बूटियां, उनसे स्नान कराया जाता है। इसको औषधि विधान बोलते हैं। लगातार स्नान करने के पश्चात कुछ दिन फिर साथ साथ में ध्यान में बैठाया जाता है। उसके पश्चात कहाँ से स्किन की स्थिति खराब हुई है, तो फिर वही जो पद्धति मैं जिसका जिक्र कर रहा था उससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है, और फिर वो मूल से प्रॉब्लम चली जाती है, जड़ से चली जाती है। और जैसे एक कुष्ठ रोग की स्थिति है, तो उसके बारे में पढ़ा है क्या हो सकता है, अनुभव में सफल नहीं हो पाया। अगर दोस्तों सोराइसिस के बारे में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए, 80% तक सफल हो पाए हैं, तो पर कुछ जो प्राइमरी बीमारियां हैं उसमें बहुत निश्चित रूप से सफल हुए हैं, पर उसमें भी आपको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। आपका भाई, बहन, दोस्त, वाइफ, हस्बैंड, पति, पत्नी, कोई चाहिए जो आपकी मदद करे, क्योंकि कभी कभी स्किन में ऐसी जगह में स्थिति होती जहां आपका हाथ नहीं पहुंच सकता है, तो उसमें स्पर्श की जरूरत है, या स्पर्श पूरा ना होए तो ऐसे स्पर्श से रेजेज देने की जरूरत है। एक और प्रॉब्लम जो होती है वाइट पैचेस की, वो भी एलोपैथी में अभी तक पूरा इलाज नहीं मिल पाया है, जैसे पर विटिलिगो उसका में ना कहते हैं। रोका जा सकता है बेटा, उसको हम उसका स्तंभन करने में कामयाब हुए हैं कि रुक जाए, पर पूर्ण रूप से ठीक हो पाए वो नहीं हो पा रही। और उसमें भी मैं इस विद्या को दोष नहीं दूंगा, इस विद्या में तो दोष तो है ही, बहुत कुछ हो सकता है, पर मेरी कमी होगी कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो अनुभव है उन्हीं को कहना है, तो जिस अनुभव में हम पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाए उसकी बात नहीं करेंगे, पर जैसे व्हाइट स्पॉट पड़ते हैं आगे ना बढ़े उसके लिए कामयाब हो पाए। कभी कभी बढ़ते रहते हैं, पूरी स्किन को खराब कर देते हैं, तो पर जो तंत्र में स्तंभन कर्म है तो उसके द्वारा उनको रोका जा सकता है, उनकी बढ़ने की स्पीड को कम किया जा सकता है। उसके बाद फिर और कितने ही कायाकल्प प्रयोग हैं जिनके द्वारा उनको हेल्प मिलती है ठीक करने में, पर साथ में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। बीमारियों के लिए दोस्तों तंत्र कोई खाने को नहीं देता है, आप एक बात को सोचना, कोई औषधि नहीं देता है, वो सिर्फ मन की शक्ति के द्वारा, स्पिरिचुअल शक्ति के द्वारा, स्पर्श शक्ति के द्वारा आपकी मदद करने की कोशिश करता है। और तंत्र विज्ञान, स्पिरिचुअल विद्या आपकी बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करती, पर उसमें इम्प्रूवमेंट हो उसकी हेल्प की बिल्कुल आश्वासन देती है कि बहुत हेल्प मिलेगी, पर आपको स्वयं बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं करने को तैयार नहीं है, जब आपका, आपके परिवार का कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, तो बात नहीं बन पाएगी।